आपका स्वागत है माता रानी के दूसरे दिन के। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और ब्रह्मचारिणी इसका अर्थात इसका मतलब होता है पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रैक्टिस करना, किसी चीज को पाने के लिए अपने गोल के लिए उस पर दिलो जान से लगे रहना। और आसान नहीं होता है, जब आपका गोल फिक्स है, जब आपका गोल निश्चित है तो आपको मेहनत करना पड़ता है उसको पाने के लिए, हर वो मुमकिन कोशिश करना पड़ता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने भी अपने आराध्य देव को पाने के लिए अर्थात भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया था, तपस्या की थी, मेहनत किया था, यज्ञ किया था उन्होंने, तब जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पाया था। इसी तरह से इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शेर का नाम बताने जा रहा हूँ जो भारत इतिहास में बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। IT की सबसे बड़ी कंपनी है भारत के लिए और दुनिया में भी काफी नाम है। दुनिया के 46 देशों में इसका ब्रांचेज है और 3,80,000 से ज्यादा इसके ऑफिसेज हैं। $200 बिलियन का इसका रेवेन्यू है, कई सौ देशों के रेवेन्यू के बराबर, GDP के बराबर इसका रेवेन्यू है और लगभग 5 लाख इम्प्लॉई इसमें काम करते हैं और इसके लिए वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये इसका अभी रिसेंटली ही SBI के साथ में इसका जो करार है उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंडेड कर दिया गया है दोस्तों। तो ये TCS है जो आप लगातार सेवा, लगातार प्रार्थना, लगातार अपनी मेहनत से, अपने गोल से दूसरों को हेल्प कर रहा है, सेवा कर रहा है और अपने गोल को मोटिवेट करते हुए पा रहा है। तो हमें भी अपने आप को उस तरह से शेयर बाजार में बने रहने के लिए अपने आप को डिवेटी, अपने आप को चैलेंज लेकर के, अपने आप को एस्टेब्लिश करके सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें और अपने गोल को पाएं। तब तक आप बने रहिए। कल के लिए जय माता दी।